जो मेरे पास आते हैं और मुझे बोलते हैं कि मैम मैंने इतने सारे ऑनलाइन कोर्सेज से पढ़ाई करी इतने बुक्स से पढ़ाई करी इतने सारे इंटरनेट के रिसोर्सेस को यूज किया लेकिन इन सबसे पढ़ने के बावजूद एग्जाम में वो राइटर्स पर कुछ ऐसे सवाल आए जो मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया या जो मैंने पढ़े ही नहीं थे जिनके बारे में मुझे प्रीवियसली कोई नॉलेज ही नहीं थी इन सभी स्टूडेंट्स को देखते हुए मैं ये सीरीज आपके सामने लेके आई हूँ जिसमें आई एम गोइंग टू शेयर ऑल द कीप पॉइंटर्स दैट यू शुड कीप इन माइंड वेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यू जी सी नेट एग्जाम आपको अपने नोट्स किस तरीके से बनाने हैं कोई भी राइटर या टॉपिक को आप जब पढ़ते हैं तो किन चीजों को आपको पढ़ना है और किन चीजों के बारे में आपको नहीं पढ़ना ये सारी इंफॉर्मेशन इस सीरीज में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं इस सीरीज का जो पिछला वीडियो था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कोई भी राइटर को पढ़ने से पहले आपको उसके बैकग्राउंड के बारे में पढ़ना जरूरी है जिस एज में वो राइटर लिख रहा था उस एज के बैकग्राउंड के बारे में आपको सब तरीके से पढ़ना है सोशल सोशोलॉजिकल इम्पैक्ट्स क्या थे पॉलिटिकल कंडीशंस क्या थी हिस्टोरिक मूवमेंट्स क्या हुए उस टाइम पे ये सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है इस सबको ध्यान में रखने से आप उस राइटर को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे उसके वर्क्स को रटने के बजाय आप समझ पाएंगे फिर हमने बात करी थी उसी वीडियो में कि कोई भी राइटर को आप जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको उसकी बायोग्राफी को समझना है उनकी बायोग्राफी में आपको देखना है उनके चाइल्डहुड में क्या क्या घटनाएं हुई उनकी लाइफ में ऐसे क्या इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए जिसका रिफ्लेक्शन लिटरेचर में दिखता है उन्होंने ऐसे क्या फेमस कोटेशंस बोले जो लोग बहुत ज़्यादा प्रोमिनंटली यूज़ करते हैं उनको क्या अवार्ड्स मिले और साथ ही में क्या उन्होंने किसी पेन नेम के अंडर अपना वर्क को लिखा है इन सभी चीजों को देखने के बाद ही आप किसी राइटर के वर्क्स को पढ़ना चालू करेंगे आज इस वीडियो की शुरुआत में हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की कि कोई भी राइटर को जब आप पढ़ लेते हैं उसकी बायोग्राफी को समझ लेते हैं तो द नेक्स्ट स्टेप इज टू नो द क्रिटिकल कॉमेंट्स दैट दैट राइटर हैज स्पोकन अबाउट और गिवन टू एनी अदर राइटर जैसे कि चिमानंदा नगोची अडीचे एक बहुत ही फेमस राइटर हैं जिन्होंने बहुत फेमस वर्क्स लिखे हैं जैसे हाफ ऑफ येलो सन बट क्या हमें पता है कि उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल वर्क लिखा है जिसका नाम है वी ऑल आर फेमिनिस्ट इसी तरह अगर आप और किसी राइटर की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि विलियम ब्लेक एक बहुत फेमस राइटर हैं रोमांटिक लिटरेचर में उन्होंने काफी काम किया है वो पैराडाइज लॉस्ट पढ़ा करते थे अपने बचपन में और अपने यंग एज में जब उन्होंने पहली बार पैराडाइज लॉस्ट पढ़ी तो उन्होंने जॉन मिल्टन के बारे में एक बहुत फेमस लाइन बोली उन्होंने बोला कि मिल्टन बिलोंग्स टू डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट कि मिल्टन कहीं ना कहीं डेविल की तरफ से उनकी तरफ से लड़ता है डेविल को डेविल कैसे सही है उसके बारे में बात करता है और उन्हें ये पता भी नहीं है उन्होंने ये चीज मिल्टन के बारे में बोली नाउ हो देर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि नेट में यह क्वेश्चन आपके सामने आए और आपसे पूछा जाए दैट हैज सेड दिस लाइन टू होम उस राइटर ने किसी और राइटर पर क्या कोई कमेंट किया है क्या उसके बारे में उन्होंने कुछ कहा है आप देखेंगे जितने भी रोमांटिक राइटर्स हैं वर्ष कीट शैली इन सब ने ग्रीक माइथोलॉजी को बहुत डिटेल में पढ़ा है और काफी कॉमेंट्री भी करी है अलग अलग राइटर्स के बारे में तो आपको ये सब कुछ अपने नोट्स में इंक्लूड करना है इसीलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है नोट्स बनाना बिकॉज आपको पता नहीं होता है कि कहाँ से मैं ये सारी चीजें पढ़ूँ इसीलिए जो हमारा ऑनलाइन कोर्स है उसके अंदर हम सब कुछ आपको एक साथ देते हैं अगर आप जानना चाहते हैं मेरे कोर्स के बारे में और कोई भी डिटेल तो फील फ्री टू कॉल दैट ऑन द नंबर एंड आई वुड लव टू असिस्ट यू शेयर ऑल द डिटेल्स अबाउट द ऑनलाइन कोर्स इस ऑनलाइन कोर्स में ये सारी चीजें जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस वीडियो सीरीज में वो सब हम कवर करते हैं इन डिटेल और इस तरीके से कवर करते हैं कि आपको हमारे लेक्चर्स के अलावा और कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत ना हो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर नोट्स कोई भी राइटर कोई भी मेजर राइटर आई वुड रादर से आप जब भी उसके बारे में पढ़ते हैं तो इंश्योर दैट उनके सिर्फ मेन वर्क्स को ना पढ़ें उनके फर्स्ट एंड लास्ट वर्क्स के नाम आपको जरूर याद हों फॉर एग्जाम्पल टेकिंग चिमानंदा नगोचिया डीचे जिनके बारे में मैंने अभी बात करी जिन्होंने एक बहुत ही फेमस वर्क लिखा है वी ऑल आर फेमिनिस्ट उनकी एक बहुत फेमस किताब है हाफ ऑफ येलो सन जिसकी वजह से उन्हें काफी सारे अवार्ड्स मिले ये बुक जो है इसकी समरी हर नेट एस्पिरेंट पढ़ता है लेकिन क्या आपको पता है कि अदीचे का फर्स्ट वर्क क्या था अडीचे इस इसपे काफी बार नेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं पर्पल इज वर्क बाय आपको चार वर्क्स दे, दे देंगे चार राइटर्स दे, दे देंगे ना आपको बोला जाएगा मैच करिए क्या आप मैच कर पाएंगे अगर आपने इन चीजों को मेमोराइज नहीं किया है?

के साथ साथ आपको उस राइटर के माइनर वर्क्स भी पता होने चाहिए देर आर सो मेनी राइटर्स लाइक जी बी शॉ सैम्यूल बेकेट और टी एस जिन्होंने बहुत सारे वर्क्स लिखे हैं अपने लाइफ टाइम में उनके कुछ फेमस वर्क्स हम सब डिटेल में पढ़ते हैं फॉर एग्जाम्पल जी बी शॉ का आर्म्स इन द मैन कैंडेडा हम डिटेल में पढ़ते हैं फॉर यू जी सी बट क्या हमें उसके उनके और वर्क्स के बारे में पता है जैसे कि हार्ट ब्रेक हाउस विडोवर्स हाउस इन वर्क्स के मेन की एरियाज आपको पता होने चाहिए इन वर्क में ऐसा कुछ स्पेशल अगर उन्होंने लिखा है वो आपको पता होना चाहिए अगर किसी वर्क के अंदर कुछ एक ऐसी चीज़ हुई है जो बहुत ही फेमस थी फॉर एग्जाम्पल जी बी का एक वर्क था जिसमें उन्होंने इतनी अच्छी कॉमेडी करी डैट जो किंग उस वर्क को देखने आए थे उन वो इतना हंसे कि उनकी चेयर टूट गई उ दिस इज अ वेरी फेमस थिंग अबाउट वन वर्क रिटर्न बाय जीबी शॉ लेकिन बहुत सारे लोगों को आर्म्स एंड द मैन की समरी पता है कैनेडा के बारे में पता है बट ये वर्क नहीं पता सो आई वुड वांट टू सी इफ माय सब्सक्राइबर्स आर इंटेलिजेंट इनाफ टू नो दिस सो कमेंट बिलो इफ यू नो दैट वर्क इन विच जी शॉ मेड द किंग क्राई लाव सो मच दैट ही एक्चुअली ब्रोक हिज चेयर So, चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि माइनर वर्क में क्या पढ़ना जरूरी है कोई भी माइनर वर्क आप जब पढ़ते हैं तो आपको उसमें समरी नहीं पढ़नी आपको सिर्फ उसका नाम पता होना चाहिए अगर उस माइनर वर्क से रिलेटेड कुछ बहुत स्पेशल रेफरेंस है तो आपको वो पता होना चाहिए और आपको उस माइनर वर्क का सब पता होना चाहिए सिर्फ इतनी सी चीज भी अगर आपने एक वर्क के बारे में जान ली तो आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे आप देखेंगे कि नेट के पेपर में पांच या छह क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें वो राइटर्स का नाम देते हैं और साथ में उनके वर्क्स देते हैं और बोलते हैं आप मैच करिए और ये क्वेश्चन सारे माइनर वर्क्स पे बेस्ड होते हैं कभी भी वो हैमलेट और शेक्सपियर लिख के आपको नहीं देंगे बिकॉज उनको पता है कि आपको हैमलेट पता ही होगा कि वो विलियम शेक्सपियर ने लिखी है लेकिन विलियम शेक्सपियर का कोई ऐसा प्ले वो आपको दे सकते हैं जो शायद आपने कभी सुना भी ना हो और उसे ये मैच द फॉलोइंग में देंगे और हैमलेट से वो पूछेंगे एक डेप्थ क्वेश्चन कि हैमलेट के सीन थ्री के एक्ट टू में एक चीज हुई थी उसमें से वो आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे मेजर वर्क्स को कैसे स्टडी करना है वो हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में इसी सीरीज के अंदर और हम ये जानेंगे कि कोई भी मेजर वर्क प्ले नॉवल पोएम को किस तरीके से पढ़ें कि आप उसमें से आए हुए हर क्वेश्चन को बहुत आसानी से आंसर कर पाएं So with that note, I would like to take your leave. I hope this video series is proving beneficial in your study routine. If yes, then please comment below and let us know that, you know, we are helping you out in your preparation journey. If you have any feedback, any comments, any questions that you would like to ask us or want us to make videos about, feel free to put that in the comment section too. So, with that note, I would like to take your leave. I'll meet you very, very soon in the next video lecture. Till the time we meet next, happy learning, keep loving literature, and stay tuned to arpatakarva.com.